लोगों को एक गणेश जी दिखा रहा हूँ, काफी सुंदर है, देख सकते हो इस साइड में, ये देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे, छोटे से हैं लेकिन मस्त लग रहे, करीब 11-12 फीट के आसपास है, आप लोग देख सकते, छोटे लग रहे हैं लेकिन 12 फीट के हैं मूर्ति, काफी सुंदर लग रहे, ये देख सकते हो गणेश जी काफी सुंदर लग रहे, करीब 12 फीट के हैं। तो दोस्तों अपन जहाँ शुरू में आए थे फिर से वहीं रिटर्न आ गए हैं, देख सकते हो, और यहाँ पे अपना गणेश जी भी बुक कर लिए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ इस साइड में हमारा गणेश जी, यह वाली है दोस्तों, देख सकते हो ये वाली गणेश जी अपन बुक कर लिए हैं, और ये गणेश जी का मुंडी, और ऊपर में आने की जस्ट ना हाथी का मुंडी बनेगा ना भैया, हाथी की मूर्ति मुंडी बनी है, तो देख सकते हो, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो बनाता, हाँ वीडियो बनाता, तो ये वाले देख सकते हो बुक कर लिए हैं, ये हमारे गणेश जी है और ऊपर में हाथी का मुंडी बनेगा। कितना फीट के भी है मूर्ति है? 7 फीट के ना, तो अभी यानी कि खाली की सब बुक हो गए? 2-3 ठन बचे। अच्छा 2-3 ठन बचे, और बाकी ऑर्डर भी लेके बनात होबे? पूरा ये मन तो ऑर्डर के रही। अच्छा पूरा इस साइड ऑर्डर के रही, ऑर्डर के, ऑर्डर के, वो ऑर्डर के, वाटे ऑर्डर के। अच्छा भैया बता, पूरा ऑर्डर के हरे मूर्ति गिने चुने यानी कि बचे है भाई, है ना, बाकी सब बुक हो गए और एक महीना बस आप मन के किरण टाइम बचे है, बस बस नहीं नहीं भी ऑर्डर ही नहीं लेना, अब ऑर्डर नहीं लेते, ऑर्डर नहीं लेते, जो जो बचे वाला फिर फाइनल करी सब बेच के। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी गणेश पूजा आने वाला है और अभी चल रहा है अगस्त, तो अगले महीना सितंबर में गणेश पूजा है, तो हम लोग जा रहे हैं गणेश भगवान जी का मूर्ति देखने के लिए, अगर कोई सा भी वहाँ पसंद आ जाएगा तो हम बुक कर लेंगे। हम लोग जा रहे हैं खुर्सी पार भिलाई से थनौत दुर्ग, इस साइड में हमारी पूरी जो समिति की टीम है, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे थनौत दुर्ग के लिए, तो वहाँ पर हमको जो पसंद आएगा मूर्ति वहाँ हम लोग बुक कर लेंगे। और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलो चलते हैं थनौत दुर्ग, तो आपको वहीं मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं देख सकते हो हमारी समिति की जो टीम है यहाँ पर अभी बैठी हुई है, तो और भाई लोगों का भी वेट कर रहे हैं, फिर साथ में निकलेंगे। ऐसे भाई कहाँ जा रहे हैं अपन? इधर इधर थनौत जा रहे भाई। क्या चीज़ के लिए जा रहे? मूर्ति देखने। मूर्ति देखने के लिए? हाँ, तो वहाँ कोई से भी हमें पसंद आएगा तो बुक कर लेंगे, ऐसा फोटो में डिसाइड नहीं किए ये मूर्ति बुक करेंगे करके। ये तो हाँ जिसके वगैरह सो सर माँ के देख सकते हो पूरा चले जा रहे हैं, देख रहे हो पूरा हमारी टीम है जो ना शरमा जा रही है वीडियो में आने के लिए, तो ये लोग शरमा रहे तो शरमाने दो, और अपन जहाँ पर मूर्ति जो बैठाते हैं वहाँ पर आप लोगों को लेके चलता हूँ, उस जगह को दिखाता हूँ, इस साइड में हमारे जो गली है तो आगे में बैठाते हैं वहीं पर आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो जो ये रोड का जो आखिरी छोर है, तो यहाँ पर हम लोग मूर्ति बैठाते हैं ये वाले जगह पर, आप लोगों को फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो रोड है ना, तो यहीं पर अपन बैठाते हैं जो मूर्ति, यही यहाँ पर पंडाल बनाते हैं, और इधर देख सकते हो टावर चौक है, इधर भी गली है और इस साइड भी रोड है, तो ये अपना मोहल्ला है, तो यहाँ पर जो हमारा जो पंडाल बनता है यहीं पर बनता है, और पूरा देख सकते हो पूरा मोहल्ला कवर करते हैं यहाँ से, तो यहीं पर बैठता है मूर्ति हमारा, पंडालों यहीं बनता है, यही जगह है दोस्तों, देख सकते हो यहीं पर अपन बैठाते हैं हर साल, और इस साल भी बैठा रहे हैं, तो इसी कारण जा रहे अपन थनौत मूर्ति बुक करने, तो देख सकते हो हमारा मोहल्ला है इस प्रकार से, तो आप लोगों को मिलते हैं दोस्तों फिर थनौत में, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों थनौत गांव पहुंच गए हैं जहां मूर्ति अपन लेते हैं हर साल, तो इस साइड में देख सकते हो पिछले बार यहाँ से लिए थे, अंदर चल के देखते हैं इस साल कौन कौन सी मूर्ति यानी कि यहाँ पर अभी तैयार हो रही है, तो अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से मोर ध्वज मूर्तिकार केंद्र, तो देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्ति अभी तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हो किस चीज़ में बैठे हैं यहाँ पर गणेश जी, काफ़ी सुंदर लगेंगे पूरा पेंटिंग होने के बाद,
और इस सेट भी देख सकते हो काफ़ी बड़े हैं हमारे गणेश जी अपने राजगद्दी में बैठे हुए हैं। तो अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ पर अभी मिट्टी यहाँ पर लग रहा है सबके ऊपर, उसके बाद तैयार होगा धीरे धीरे। तो अभी देख सकते हो दोस्तों अभी इस प्रकार से यानी कि बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मिट्टी वगैरह लगा है। इधर भी देख सकते हो छोटा सा यानी कि मूर्ति काफ़ी सुंदर लग रहा है, किसी चीज़ में यानी कि बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ऊपर में देखो अभी इनके ऊपर काला मिट्टी जो अभी लगा हुआ है, इनके ऊपर वाइट पुट्टी लगेगा, उसके बाद फिनिशिंग होने के बाद कलर उचगेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर चूहे में भी बैठे हैं हमारे गणेश जी, छोटे से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इस साइड भी यानी कि पूरा उसी टाइप में है, पूरा मूर्ति पूरा यानी कि देख सकते हो इस प्रकार से पूरा मिट्टी भी सब में लग रहा है धीरे धीरे, अभी काम चल रहा है। ये देखो मूर्ति वाला यानी कि सेठ जी यही है। अच्छा टीकम कुंभकार, अच्छा तोर पापा बनाते। तो देख सकते इस प्रकार से बन रहा है अभी, तो और चलते हैं दूसरे साइड और दूसरे जगह भी देखते हैं उस साइड भी। तो दोस्तों अपन इधर भी देख सकते हो अंदर साइड, वहाँ भी मूर्ति देख लिए, और इस साइड भी देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े मूर्ति बन रहे हैं। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े बड़े जो गणेश जी है, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो अंदर लेके चलता हूँ मैं इसके अंदर। तो एक देख सकते हो यहाँ पर मूर्तिकार मिलन चक्रधारी, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मूर्तिकार मिलन चक्रधारी। तो ये मिलन मूर्तिकार मिलन चक्रधारी का शॉप है। तो अंदर चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते इस प्रकार से है पूरे गणेश जी, तो आपको अंदर लेके। बस चार ठन खाली है तीन चार है नहीं आओ जैसे आओ देख ले, वो तो चार ही तो है बोल रहे, चार ही तो है बोल रहे। हाँ छोटा है, इधर पूरा दुर्गा माता है, आप लोग देख सकते इधर दुर्गा माता है। तो ये भी गणेश जी शायद दुर्गा माता ये भी बन रही है। इधर भी देख सकते पूरा गणेश जी, राम भगवान। यहाँ भी बहुत सारे गणेश जी देख लिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महंगा है यार, और छोट बड़े बड़े हैं लेकिन। और इस प्रकार में भी देखिए सब बुक वाला है यहाँ पे ज़्यादातर ना, यहाँ पर पूरा मूर्ति बुक हो गया है, खाली बिल्कुल नहीं है, गिने चुने जो बचा है तो उसमें भी अपने को जम रहा नहीं है। और ये भी गणेश जी देख सकते हो कितने बड़े हमारे प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हो गणेश जी काफ़ी बड़े लग रहे होंगे, करीब 11 फीट के आसपास है, आप लोग देख सकते हो यह है 11 फीट के आसपास गणेश जी। ऊपर में शायद किसी चीज़ का यानी कि वहाँ पर देख सकते हो मूर्ति का जो चित्र बन रहा है वहाँ पर। तो इस प्रकार से है यहाँ पर बड़े बड़े जो गणेश जी,
तो चलते हैं दूसरे साइड। अपन आपको एक गणेश जी दिखा रहा हूँ, काफी सुंदर है, देख सकते हो इस साइड में, ये देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे, छोटे से हैं लेकिन मस्त लग रहे, करीब 11-12 फीट के आसपास है, आप लोग देख सकते हो, छोटे लग रहे हैं लेकिन 12 फीट के हैं मूर्ति, काफी सुंदर लग रहे। ये देख सकते हो गणेश जी काफी सुंदर लग रहे, करीब 12 फीट के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा दहान चीखला मार गया है, ये दहान है पूरा चीखला मार गया इस प्रकार से। गौठान है रेने जी, रिद्धि सिद्धि के साथ, तो ये है रिद्धि सिद्धि के साथ, और ऊपर देखे तो दो चार सात मुंडी वाले सांप है, मैं देख सकता हूँ, तो इस प्रकार से। तो यहाँ से चलते हैं दूसरे जगह, जहाँ देख यहाँ पसंद आएगा फिर वहाँ डन करेंगे, पूरा जगह जगह इनकी मूर्ति पूरा बुक हो गया है, तो चलते हैं दूसरे साइड, उस फिर वहाँ भी देखते हैं, जहाँ पसंद आ जाएगा फिर वहाँ डन करेंगे। दोस्तों पूरा गांव घूम रहे हैं यार, लेकिन मूर्ति नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है और पूरा बुक हो गया है, एक गिने चुने मूर्ति खाली है, क्या करे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा भी गिने चुने मूर्ति खाली है, पूरा 50% गाँव में मूर्ति बनता है, तो गिने चुने बस खाली है और पूरा बुक हो गया है, और कुछ कुछ जो खाली है वो भी 15,000, 16,000, 17,000, 20,000, 25,000, 35,000 बोल रहे रेट, और रेट भी जम रहा नहीं है, बजट कम है, और बजट के हिसाब से मूर्ति का हाइट भी कम है, तो वही देख रहे हैं क्या करें, समझ नहीं आ रहा यार क्या करें। और मूर्ति का हाइट है वो 4 फीट है, 5 फीट, और रेट भी 15,000, 16,000, 17,000, तो देखते हैं जहां अगर रेट जमेगा फिर फाइनल करते हैं। तो दोस्तों अपन जहां शुरू में आए थे फिर से वहीं रिटर्न आ गए हैं, देख सकते हो, और यहां पे अपना गणेश जी भी बुक कर लिए हैं, आप लोगों को दिखाता हूं इस साइड में हमारा गणेश जी है, और अभी बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा है, देख सकते हो, शुरू में यहीं आए थे, सबसे शुरू में देखे होंगे वीडियो में, और अभी देख सकते हो शुरू में आए गए थे तो उसी यहाँ की फिर रिटर्न आ गए हैं, तो अपना गणेश जी इस साइड में है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस टाइप में दिख रहा है, इस साइड भाई लोग आने की भैया से बात कर रहे हैं क्या प्राइस का है करके, इस साइड देख सकते हो बातचीत चल रहा है, उसके बाद डन यानी कि हो गया है डन, तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कौन सी मूर्ति है, तो ये वाली है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये वाली मूर्ति है, देख सकते हो ये वाली है हमारी गणेश जी, ये बुक हो गया, अपन कर लिए हैं, ये देख सकते हो, ये गणेश जी का मुंडी है, और ऊपर में यानी कि हाथी का मुंडी बनेगा, ऊपर में ना हाथी का मुंडी बनेगा, ये देख सकते हो, ये है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, पेंटिंग होने के बाद और काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये वाली है दोस्तों, देख सकते हो ये वाली गणेश जी अपन बुक कर लिए हैं, और ये गणेश जी का मुंडी, और ऊपर में यानी कि जस्ट ना हाथी का मुंडी बनेगा ना भैया, हाथी की मूर्ति मुंडी बनी है, तो देख सकते हो, वीडियो कॉल करिए कभी, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो बनाता, हाँ वीडियो बनाता, तो ये वाले देख सकते हो बुक कर लिए हैं, ये हमारे गणेश जी है, और ऊपर में हाथी का मुंडी बनेगा, कितना फीट के भैया मूर्ति है, 7 फीट के ना, तो अभी यानी कि खाली है कि सब बुक हो गए, 2-3 ठन बचे, अच्छा 2-3 ठन बचे, और बाकी ऑर्डर भी लेके बनात होबे, पूरा ये मन तो ऑर्डर किया रे, अच्छा पूरा इस साइड ऑर्डर किया रे, ऑर्डर किए, अच्छा भैया बतात पूरा ऑर्डर के हरे मूर्ति गिने चुने यानी कि बचे है भाई, है ना, बाकी सब बुक हो गए, और एक महीना बस आप मन के किरण टाइम बचे है, बस नहीं लेना, अब ऑर्डर नहीं लेते, ऑर्डर नहीं लेते, जो बचे वाला फिर फाइनल करी सब बेच के, फिर ओकर बात, ये वाली हमारे मूर्ति हरे देख सकते हो इस प्रकार में दिखत हमारे गणेश जी, पेंटिंग हुई तो वो काफ़ी सुंदर लगी, ऊपर में जब हाथी की मुंडी बनी ना तो वो काफ़ी सुंदर लगी, और ये साइड देख सकते हो पंखा से गणेश जी मतलब सुखात है बस इस साइड मिट्टी के, तो इसे ऐसे है देख सकते हो पूरा सुखात है, और ये साइड ये मन मूर्ति मन अभी बचे बचे है, और ये साइड देख सकते हो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, हाँ ये देख सकते हो हाथी है, हाथी ऊपर गणेश जी जो बैठे है भाई, काफ़ी सुंदर लगा थे भाई, हिंदी से छत्तीसगढ़ी में आ गया हूँ दोस्तों, अब हिंदी से बोल रहा हूँ, ये हाथी के ऊपर देख सकते हो बैठे हैं हमारे गणेश जी, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और इस साइड भी देख सकते हो डमरू में बैठे हैं, इस प्रकार से है,
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।